डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि सीटेट जो एग्ज़ाम होता है आपका साल में दो बार कराया जाता है, इसके दो जो है चरण कराए जाते हैं। पहला जो होता है आपका दिसंबर और जनवरी में एग्ज़ाम हो जाता है और अगला जो होता है वो जुलाई माह में आपका एग्ज़ाम कराया जाता है। तो इसमें जो है जैसा कि जुलाई का रिजल्ट आ चुका है, अब आपका जो नेक्स्ट सीटेट होगा कब आएगा, कब से आप लोग आवेदन कर पाएंगे, अंतिम तिथि क्या होगी, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारियां आप लोगों को मिलने वाली हैं। सीटेट जो दिसंबर या जनवरी में आपका कंडक्ट कराया जाएगा तो आपका जो फॉर्म होगा कब आएगा, जो भी छात्र छात्राएं जिन्होंने बीएड या बीटीसी या कोई भी कोर्स किया है जो टीचर ट्रेनिंग के अंतर्गत आते हैं, यदि आप पहली बार बैठने जा रहे हैं सीटेट में, तो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। जिन छात्र छात्राओं का अपीयरिंग है आपकी बार, जिन्होंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे दिया है, यदि आपने बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे दिया है तो आप लोग अपीयरिंग में सीटेट में जो आपकी बार आएगा उसमें बैठ सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरीके से बीटीसी डीएलएड में जिन छात्र छात्राओं के सेकेंड सेमेस्टर ने एग्जाम दे दिया है, थर्ड सेमेस्टर उनका एडमिशन हो चुका है या एडमिशन होने वाला है, वो सभी लोग जो है आपकी बार सीटेट में एग्जाम दे पाएंगे। अगर हम सीटेट 2023 की बात करते हैं कि 23 में कब आया था, जैसा कि जो दिसंबर जनवरी में एग्जाम कराया गया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लांस लिखी है, सीटेट जनवरी 2024। इसका जो फॉर्म भरने की तिथि बताई गई थी वो आपकी 3/11/2023 से फॉर्म भरा गया था, और 3/11/2023 के बाद जो इसकी अंतिम तिथि थी वो फॉर्म भरने की आपकी 23/11/2023। जैसा कि 2023 में अगर हम बात करते हैं कि जो दिसंबर माह के लिए एग्जाम कराया जाता है, जैसा साल में दो बार एग्जाम होता है, तो उसके लिए यहाँ पर 3/11 से आवेदन आपके शुरू हुए थे और दिसंबर में परीक्षा ना होकर के आपकी परीक्षा जनवरी में कराई गई थी। यदि हम इस शेड्यूल के अंतर्गत देखते हैं तो आपका जो 2024 में सीटेट आएगा वो आपको नवंबर माह में देखने को मिलेगा। जैसे 3/11 को 2023 में आया था तो आपका अक्टूबर में भी आ सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा, नहीं तो आपका नवंबर में हर हाल में जो है यहाँ पर फॉर्म शुरू हो जाएगा, नवंबर में आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसका जो शेड्यूल होता है हर वर्ष के लिए, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि 2023 में 3/11 से शुरू हुआ था, अंतिम तिथि इसकी जो 23/11/2023 थी, लेकिन लास्ट में सर्वर प्रॉब्लम होने के कारण इसको 27/11/2023 कर दिया गया था। लास्ट डेट समेशन यहाँ पर जैसे फीस बताई गई थी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, तो इसकी फीस के जो पेमेंट की तिथि थी वो भी 23/11 निर्धारित की गई थी, बाद में बढ़ाकर इसे 28 कर दिया गया था। इसी के हिसाब से बदलाव होते चले गए थे और जो एग्जाम कराया गया था वो 21 जनवरी 2024 को इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। सीटेट जो होता है आपका वो फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर प्राइमरी और जूनियर के लिए जो होता है, इसमें आपका जो एग्जाम होता है बदलाव किया गया है कि पहले जो होता है सेकेंड पेपर होता है। इससे पहले जो होता था फर्स्ट पेपर होता था और फर्स्ट पेपर में जो है प्राइमरी लेवल का होता था, लेकिन अब सेकेंड पेपर जो है पहली मीटिंग में कराया जाता है और आपका जो फर्स्ट पेपर है वो सेकेंड मीटिंग में कराया जाता है। तो ये बड़े बदलाव जो है कर दिए गए हैं पिछले वर्ष से ही। चेकिंग एडमिट कार्ड्स के लिए जो होता है 9 बजे से 9:15 बजे तक, और डिस्ट्रीब्यूटिंग टेस्ट बुक जो आपकी बुकलेट बटती है वो 9:15 पे बटती है, और यहाँ से आपका जो लास्ट एंट्री होता है 9:30 बजे यहाँ पर गेट क्लोज हो जाता है और 12 बजे तक आपका पेपर कराया जाता है। इसी तरीके सेकेंड मीटिंग का जो होता है 2 बजे से यहाँ पर 4:30 बजे तक आपका एग्जाम कराया जाता है। तो यदि हम पुराने सिलेबस से देखते हैं तो इसका जो फॉर्म होगा वो आपका नवंबर माह में देखने को मिलेगा, अगर जल्दी हो जाता तो अक्टूबर में भी आ सकता है फॉर्म। इस तरीके आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें, आपका फॉर्म जो होगा इसमें देखने को मिलेगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।